डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन पे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप बीएड का प्रैक्टिकम बना सकते हैं, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, किस पेपर में लिखना चाहिए, कौन सा पेन से लिखना चाहिए, क्या क्या इसमें बनाना पड़ता है, सारा चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपना फ्रंट पेज को बना लेना है। तो देखिए, ये जो है आपका फ्रंट पेज है बीएड प्रैक्टिकम का। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बीएड का जो प्रैक्टिकम है बनाया जाता है, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, क्या क्या लिखना पड़ता है और कैसे इसको कॉपी बनाना पड़ता है। तो इसका फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए ये जो है फ्रंट पेज बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर में यहाँ आपको कॉलेज का नाम लिख लेना है। देखिए, यहाँ कॉलेज का नाम लिखा हुआ सबसे ऊपर में, ये है आपका फ्रंट पेज, इसमें कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे आना है, नीचे आके देखिए यहाँ पर लिखा है आपका विलेज पोस्ट लोहापुर नालहाटी डिस्ट्रिक्ट बीरभूम। तो ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है, इसीलिए बीरभूम डिस्ट्रिक्ट लिखा है। ये कॉलेज का फोटो है, यहाँ पे आप इस तरह लगा सकते हैं। ये देखिए, एफिलेट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान रिप्रेजेंट बाय ERC NCTE भुवनेश्वर, ये कहाँ से एफिलेट किया हुआ उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का प्रैक्टिकम बना रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिखना। सब्जेक्ट देखिए, ये सब्जेक्ट है आपका कोर्स वन, ये है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मतलब होता है आपका, इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है आपका बाल्यावस्था एवं विकास, बाल्यावस्था एवं विकास के बारे में ये आपका सब्जेक्ट है। तो देखिए, इसके बाद आपको ये लिख लेना है आपका कोर्स का सब्जेक्ट का नाम। उसके बाद नीचे आना है, नीचे देखिए यहाँ पे आपका लिखना है प्रैक्टिकम, कौन सा आपका क्या बना रहे हैं ये लिखना है। उसके बाद देखिए नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट नाम लिखना है। स्टूडेंट नाम लिखने के बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है अपना स्टूडेंट आईडी और सेशन, ये सारा आपको लिख लेना है। सबसे नीचे में आपको सेशन लिखना पड़ता है, ये आपका A4 साइज पेपर में आपको प्रैक्टिकम बनाना पड़ता है, जो कि A4 साइज पेपर जो जेरस पेपर होता है वही होता है A4 साइज पेपर, जिसको आपको लेना है उसी में प्रैक्टिकम को बनाना पड़ता है बीएड के लिए। तो देखिए इस प्रकार से ये लिख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पेज पे आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे। उससे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं कोई भी कॉलेज से, कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको इसी तरह से बीएड का प्रैक्टिकम बनाना पड़ेगा। तो अगर आप इस प्रैक्टिकम का PDF चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे में। आप वहां से उस चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से इसका PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, और उसको देख के आप आसानी से इस प्रैक्टिकम को लिख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है अभी बीएड का, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर लेके थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक सारा बीएड का मटेरियल और सारा बीएड का असाइनमेंट प्रैक्टिकम सारा चीज़ आपको यहां से फ्री में प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के थ्रू से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और आप उस वीडियो को देख के अपना बीएड में जो है प्रैक्टिकम असाइनमेंट को प्राप्त करके अपना अच्छा से बीएड को पास कर सके। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जैसे अगर आप इसका ये बुक खरीदना चाहते हैं, तो इस आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का बुक का लिस्ट भी आपको नीचे दिया हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या क्या बुक लगेगा, वहां से आप बुक को भी परचेस कर सकते हैं। वहां लिंक दिया गया है बुक का, उस लिंक पे जाके आप परचेस कर सकते हैं बुक को। सिर्फ कुछ ही पैसों में आप बुक को परचेस कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइस नहीं है बुक का। आप उस बुक को खरीद के और अपना आराम से घर में तैयारी कर सकते हैं, और प्रैक्टिकम का भी बुक वहां से आपको मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते, दिखते हैं आगे और क्या क्या है। तो देखिए, उसके बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट
पेज के बाद सेकंड पेज जो है फ्रंट पेज के बाद। फ्रंट पेज में देखिए यहाँ पे आप नैम और प्रैक्टिकम, कौन सा प्रैक्टिकम बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसको आप देख के लिख सकते हैं आसानी से। तो इसको देख के लिख लीजिएगा और देखिए इसका हिंदी मीनिंग ये है। तो इस प्रकार आप इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए इसके थर्ड पेज में आना। थर्ड पेज में देखिए यहाँ पे आपका कंटेंट लिखा हुआ। कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। सामग्री में आपको लिखना पड़ता है कि आप जो ये प्रैक्टिकम बना रहे हैं इसमें क्या क्या आप सामग्री मतलब क्या क्या लिखे हैं उसके विषय में आपको कॉन्टेंट में यहाँ फर्स्ट पेज में ही उस सारा डिटेल में आपको यहाँ पे लिख देना पड़ता है। मतलब एक समरी के तौर पर इसको लिखा जाता है कॉन्टेंट को। जैसे देखिए यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देना है, फर्स्ट में यहाँ सीरियल नंबर देना है, यहाँ पे टाइटल लिखना है, यहाँ पे पेज नंबर लिखना है। तो देखिए सीरियल नंबर ये नीचे में इस तरह से आप दिखिएगा और पेज नंबर नीचे में इस तरह से आप दीजिएगा। तो देखिए पहले फर्स्ट सीरियल नंबर में टाइटल में आपका देखिए यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन। तो आप जो है ये प्रैक्टिकम का जो सब्जेक्ट है इसका इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर दे रहे हैं। उस इंट्रोडक्शन को पेज नंबर एक में लिखा गया है, उसका ये पेज नंबर यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी तरह दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा सीरियल नंबर में आपका डाटा कलेक्शन लिखा हुआ, तो उसको पेज नंबर दो में लिखा गया है, उसको आपको यहाँ पर दर्शाना। इस प्रकार से आप सारा चीज़ जो जो लिखे हैं उसको यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर में प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर को लिखा गया, उसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इस तरह से लिखने के बाद उसके बाद देखिए नीचे आना, एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ये कितने नंबर पेज में लिखे हैं उसको आपको लिखना है और सीरियल नंबर भी आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे आना, नीचे आके देखिए आपका यहाँ पे है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन एप्स एंड डिस्क्रिप्शन डाटा को आपको कितना पेज नंबर में लिखे हैं उसको लिख देना। इसका मतलब होता है डेटा का प्रतिनिधित्व और विवरण, तो इसको आप कितना नंबर पेज में लिखे हैं उसको लिख देना है। उसके बाद देखिए सिक्स जो सीरियल नंबर है उसमें लिखना है, उसमें लिखना है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब होता है आपका अनुमान। अनुमान क्या क्या लगा है आपको इस प्रैक्टिकम में उसको आपको लिखना है। उसके बाद है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश करना। सिफारिश करना यहाँ पे 11 नंबर पेज में लिखा हुआ है, उसको दर्शाया गया। उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब सारा प्रैक्टिकम को लिखने के बाद इसको बनाने के बाद आपको जो है क्या समझ में आता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आप इसको लिख लीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद देखिए नीचे आना है आपको, तो नीचे आपका सबसे फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन वो एक नंबर पेज से चालू होता है, तो वो एक नंबर पेज आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर में एक नंबर पेज दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है वो एक नंबर पेज यहाँ पे, और सबसे पहले आपका यहाँ है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखा हुआ है आप यहाँ से देख के इसको लिख लेना है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। देखिए इस जैसे जैसे लिखा हुआ हम धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देखते जाइए और इसको देख के लिख लीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से लिखना है। इसको लिखने के बाद देखिए सेकंड नंबर पेज में आते हैं हम, यहाँ पे है डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन में क्या क्या लिखना पड़ता है वो आप देख के यहाँ से लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम स्क्रॉल करते जाएंगे, आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको फ्री में। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके और आसानी से इसको घर बैठे लिख लीजिएगा और इसी को आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको देख के सीख सकते हैं और आसानी से बनाने सक जाइएगा, अपने से खुद से बना के भी कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए हम खाली इसको दिखा रहे हैं डेमो के तौर पे, आप इसको देखते जाइए और सीखते जाइए। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है, क्या क्या लिखना पड़ता है। तो देखिए ये हो गया आपका दूसरा पेज। उसके बाद देखिए आगे आपका तीसरा पेज। तीसरा पेज में आपका लिखना है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर में क्या क्या लिखना पड़ता है वो भी आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ, आप इस प्रकार से देख के उसको लिख सकते हैं। देखिए सेट वन पे लिखना है आपको व्हाट इज योर नेम, वेयर इज योर हाउस, इस तरह से लिखा हुआ जो जो क्वेश्चन उसको आप देख के यहाँ से लिख लीजिएगा। इस प्रकार से लिखने के बाद देखिए ये आपको दिखा रहे हैं हम धीरे धीरे स्क्रॉल करके, ये है सेट टू। सेट टू में जो जो क्वेश्चन लिखा है उसको भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए चौथा नंबर पेज आना है। चौथा नंबर पेज में भी वही है आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को लिख लीजिएगा इस प्रकार। उसके बाद देखिए आपका आते हैं हम पांचवा नंबर पेज में। तो पांचवा नंबर पेज में भी वही क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, ये है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या क्या क्वेश्चन लिखा है उसको भी आप देख लीजिए बढ़िया से और इसको देख के लिख लीजिएगा। तो देखिए ये है स्टेप थ्री।
इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख के ही आपको लिखना है। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या, उसको भी आप देख के आराम से इसको लिख लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हैं, इसको बढ़िया ढंग से भी लिख सकते हैं और अच्छा से। तो हम तो एक इसको डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ सिखा रहे हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आप इसको देख के भी लिख सकते हैं। देखिए ये उसके बाद आता है 6 नंबर पेज। 6 नंबर पेज में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका सीरियल नंबर, उसके बाद सिलेक्टेड एडवोकेट बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो मतलब होता है यह है चयनित किशोर और लड़कियाँ, चयनित और किशोर और लड़कियाँ का मतलब यहाँ पे ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। उसके बाद है देखिए यहाँ पे है माल एडजस्टमेंट बिहेवियर, तो इसका मतलब होता है आपका खराब समायोजित समायोजन व्यवहार, इसका होता है मतलब यही खराब समायोजन व्यवहार। तो इसको आप देख के लिख लीजिएगा, इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है इसी प्रकार से आपको देख के लिखना है। तो देखिए इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते रहें, आप देखते जाइए। और देखिए अगर वीडियो आपका लिए हेल्पफुल है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही हम ये चैनल बनाए हैं, आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, तो आपको थोड़ा इसको सब्सक्राइब करने में लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपको सिर्फ आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आपको इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है लिखा हुआ है वो आप इसको लिख लीजिएगा देख के। उसके बाद देखिए यह आता है आपका 7 नंबर पेज। 7 नंबर पेज में है देखिए प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा का मतलब होता है प्रश्न पत्र की तैयारी, इसके बारे में यहाँ आपको लिखा हुआ है। तो इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख के आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ऐसे ऐसे आपको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप देखते जाइए क्या क्या लिखा है, इसको देख के आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है 8वां नंबर। 8वां नंबर पेज में भी वही है आपका प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर नहीं है ये है आपका रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड डाटा। इसको आप देखिए ये 8वां नंबर पेज में भी वही है, इसको आप देख के लिख लीजिएगा इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से लिख लेने के बाद आपका आता है 9 नंबर पेज। 9 नंबर पेज में भी वही चीज़ है, उसको भी आप देख के देखिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। हम थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देते हैं, आपका जूम कर देते हैं अच्छा से, देखिए लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है 9 नंबर 10 नंबर पेज नंबर 10 नंबर पेज में आपका है यहाँ पे है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का जो मतलब होता है मीनिंग, इसका मतलब होता है अनुमान। तो यहाँ पे आपका जो अनुमान के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको मॉडिफाई करके चेंज करके भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, आप इसको देख के भी कॉलेज में इसको लिख के कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। आपको इसको लिखने के लिए A4 साइज का पेपर चाहिए और पेन चाहिए रेड। आप इसको ब्लू पेन, ब्लैक पेन और ग्रीन पेन से भी लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ पे आपको है फिर 11 नंबर पेज में रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश करना। सिफारिश करने में क्या लिखा है देखिए, इसको आप देख के देख लीजिए और समझ लीजिए, उस तरह आप लिख लीजिएगा। देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, और इसका बुक अगर आप चाहते हैं परचेस करना, असाइनमेंट का, प्रैक्टिकम का, या फिर इस जैसे चाइल्ड वुडन ग्रोविंग आपका जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ये प्रैक्टिकम है, इसका जो सब्जेक्ट है उसका बुक चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहां से आप इसको जाके परचेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिर आपका आता है 12 नंबर पेज में कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है आपका इस कंक्लूजन में जैसे कि आप इसमें क्या क्या समझें क्या नहीं समझें उसके बारे में आपको यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ आता है आपका जो कॉलेज में वेरीफाई हुआ है, चेक हुआ है इस असाइनमेंट प्रैक्टिकम को, उसका सिग्नेचर है, डेट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है लास्ट में सबसे आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है आपका विषय
सूची, ठीक है, या फिर आपका इसको बोलते हैं ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची में इसका जो यहाँ पे जो लिखा जाता है बिब्लियोग्राफी में, ग्रंथ सूची में यहाँ पे आपको लिखा जाता है कि आप जो है इस जो प्रैक्टिकम को बनाए हैं वो प्रैक्टिकम आप कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल लिखना पड़ता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखा है राइटर का नाम लिखा है, कौन सा राइटर का ये बुक है देखिए यहाँ पे, और ये जो कौन सा पब्लिकेशन का है, अहिली पब्लिकेशन का बुक है, अहिली पब्लिकेशन से ये देख के लिखा है इसीलिए उसका नाम दिया है। तो आप भी देखिए इसके बाद देखिए यहाँ रीता पब्लिकेशन का नाम है, तो रीता पब्लिकेशन का बुक से देख के ये लिखा गया है। उसका जो राइटर का नाम है वो सब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नाम, वो सबका नाम भी आपका यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से आप भी इसको लिख सकते हैं। देखिए आपका जितना भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हम बॉक्स में बुक का लिस्ट देंगे, उस बुक में सारा जो है अहिली पब्लिकेशन का ही बुक का लिस्ट है, आप जो है वहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं। तो इसको परचेस कर लीजिएगा वहाँ से, उसके बाद इसको जो है आप परचेस करके घर में पढ़ सकते हैं। तो ये जो देखिए अहिली पब्लिकेशन का जो बुक है ये बहुत ही बढ़िया बुक है बीएड के लिए स्पेशली, तो इसी को हम आपको बोलेंगे परचेस करने के लिए। तो आप इसको परचेस कर लीजिएगा वहाँ से आराम से और इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए आज का वीडियो आपका जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपका कोई भी इसमें सुझाव है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा आप हमको कमेंट कीजिए ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे ऊपर कुछ कमी है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।